हम लोग ने डिसाइड किया कि यहाँ पर आके थोड़ा साफ कर लेते, क्योंकि देखिए ये अपना ही जगह है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर आके हम लोग ही साफ करेंगे तो अच्छी बात है, टूरिज्म भी इससे ज़्यादा फैलेगा, अच्छा होगा। तो जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी मैं यही कि एक बंदर मिल गया। क्या बाबू क्या खाएगा? केला खाएगा? केला खाएगा? मिलिए साहिल भाई से, वो भाई तो गाइस सुबह का नजारा चंपा करी, सब दुकान बंद है, अभी खुल रहे एकदम आ गए खुलते। अरे पैसे दे कुछ लोग ट्वेंटी का फील कर रहे हैं अभी फुल। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग है आई लव मिरिक में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पहुँचे कितना मिनट मेरे, एक घंटा 12 मिनट। तो एक घंटा 12 मिनट में हम लोग मिरिक पहुँच गए हमारा घर से, और अभी आई लव मिरिक को देखो सही लग रहा है गाइस। और उधर से कोहरा आ रहा है, सो फाइनली गाइस अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जल्दी आप लोगों को एक अच्छा सा प्लेस में जाके और भी सिनेमेटिक और शॉट भी दिखाएंगे। और फिलहाल यहाँ का व्यू तो भाई ऑसम, देखो भाई इधर से रोड आ रहा है, नीचे भी बहुत सारा रोड है, और यहाँ पर है आई लव मिरिक। अभी हम लोग है सूर्यन बाजार में, चेक करो।
गाइस हम लोग मिरिक लेक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर फर्स्ट टाइम स्कूटी का पार्किंग प्राइस लिया 100, ये मजाक था, 20 रुपीस लिया गाइस। तो गाइस उधर है मिरिक लेक और यहाँ पर है मिरिक ब्रिज। आप लोग घर जाना है तो वो भी कर सकते हो, खच्चर घोड़ा वगैरह वगैरह जो फलाना धमकाना। सर फ्री में घूमने का मजा कुछ और ये है मेरी जिले, मेरा घर का सामने होता तो डेली नहाते हम लोग। इधर से जाते हैं आई लव मिरिक, आप लोग भी पानी तैर के भी आ सकते हो और आप लोग उधर से पैर पानी में तैर के भी जा सकते हो, आ भी सकते हो। ये पर रिवर राफ्टिंग नहीं होता है रे? नहीं। ओ ये तो झील है, ये तो झील है, इधर बोटिंग होगा, बोटिंग होगा। ये सब जगह हम लोग के लिए कहा, इधर सब कपल लोग आके आता है। हां हम तो सिंगल बंदे हैं। ए तो झूठ बोल रहा है। आप झूठ नहीं बोलते गाइस, झूठ बोल रहा है। लड़की का साथ में फोटो नहीं है मेरा, और समझ भी नहीं है, झूठ बोल रहा है। वहाँ पर है मिरिक। जनरल गाइस हम लोगों को मिरिक में ऐसा एक व्यू पॉइंट मिला, क्या ही सही व्यू पॉइंट है, एकदम 360 व्यू देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पर है सीआर एसएसबी कैंप और सर लोग अभी वहाँ से जा रहे हैं। हम लोगों को बोला आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बहुत सही व्यू है, तो हम लोग देख रहे थे भाई क्या ही लग रहा है व्यू। तो फाइनली गाइस हम लोग तो आ गए धूपी धारा, इसको बोलते हैं धूपी धारा व्यू पॉइंट, सभी बोलते हैं टिंगलिंग क्योंकि ये टिंगलिंग में पड़ता है। इसके लिए कितना जगह घूमा हम लोग, कितना सारा व्यू पॉइंट घूमे, फाइनली व्यू पॉइंट मिल गया। फाइनली गाइस यहाँ पर क्लीन अप चल रहा है, ऐसा कोई टूरिस्ट प्लेस में आके मत करो गाइस। और इधर देखो उस वक्त मैं घूमने आया था यहाँ पर, तो ज़्यादातर यहाँ पर मुझे गंदगी दिखी और मैं और मेरे फ्रेंड और मेरी टीम ने हमने डिसाइड किया कि आज के दिन आकर एपी डिलोर नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते हम लोग ने डिसाइड किया कि यहाँ पर आके थोड़ा साफ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये अपना ही जगह है। हाँ। तो यहाँ पर आके हम लोग ही साफ करेंगे तो अच्छी बात है, टूरिज्म भी इससे ज़्यादा फैलेगा, अच्छा होगा। तो जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी मैं यही न्यूज़ देना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पर आए लेकिन गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि अगर इस जगह का इन्जॉयमेंट लेना है तो साफ रखें, अपना जो भी खाने का सामान है लाएँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ ला के खा नहीं सकते, खा सकते लेकिन उसको ले जाकर फिर से एक डंपिंग एरिया में जाकर आप डंप करें, उससे क्या होगा कि ये जगह का मतलब जो स्पेशलिटी है जो साफ है वो बचा रहेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, बस इतना ही कहना। थैंक यू भैया। सो फाइनली गाइस यहाँ पर एक भैया मिले थे हम लोगों को, और हमारा जो एनजीओ था सेफ सोइल वो बोल रहे थे हमको उसके साथ ज्वाइन करने को, तो वो फिलहाल अभी काम कर रहे हैं, मेरे को जल्दी बुला लेगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो यही तक, और कहीं भी जाता है तो फिर ऑन करेंगे। और वैसे कि देखो टिंगलिंग का व्यू पॉइंट इधर इधर से भी देखो भाई, चाय पत्ती का पेड़ देखो, सही में गाइस ये प्लेस के वजह से हम लोगों का चाय पत्ती बहुत फेमस है। हम लोगों ने कितना सारा पहाड़ विजिट किया,
और फाइनली अभी गीता पार आ गए। क्या हो गया आज तो? रॉकटनपुर से बड़े मोमो खाएंगे। क्या फाइनली गाइस, आप लोगों को पता है आज हम लोगों ने कितना ज़्यादा घुमा, एक पहाड़ से दो पहाड़। सो अभी घर की ओर जाएंगे हम लोग जल्दी, और ऊपर कुछ लाने गए हैं। सो फाइनली गाइस, सारा दिन भर घूमने के बाद फिर हम लोग आ गए गीता पहाड़। ये है व्यू गीता पहाड़ का। सो फाइनली गाइस, यहाँ का भी कहानी ख़त्म, और अभी हम लोग जल्दी घर में जाएंगे।